राजस्थान में 69वें गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह शुक्रवार को लोहागढ़ स्टेडियम में मनाया गया। समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह ने झंडारोहण किया। भरतपुर में पहली बार मनाए गए राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। इसके अलावा अलवर में भी पूरे जोश के साथ यह आयोजन हुआ। लोगों से खचाखच भरे स्टेडियम में राज्यपाल कल्याण सिंह ने खुली जिप्सी में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने भरतपुर के जनसमूह का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकारा। राज्यपाल ने विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों के 1200 छात्र छात्राओं और 120 लोक कलाकारों ने कोरियोग्राफर भानु भारती के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राज्यपाल कल्याण सिंह ने लोहागढ़ स्टेडियम में राष्ट्रपति पुलिस पदक, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक से अधिकारियों और कर्मचारियों को नवाजा। उधर गणतंत्र दिवस पर अलवर में 43 लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं जिला कलेक्टर राजन विशाल ने कलेक्ट्रेट में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ध्वजारोहण किया। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा राष्ट्रीय गीत गाया गया। इसके अलावा पुलिस परेड के जरिए सलामी दी गई। इस मौके पर ADM राकेश गढ़वाल, SDM शुभम चौधरी और ACM जावेद अली सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मालागेड़ा गेट स्कूल में भी झंडारोहण किया गया। यहां बच्चों ने देशभक्ति गीत गाए। साथ ही प्राचार्य और अन्य वक्ताओं ने अपने उद्बोधन के जरिए विद्यार्थियों को प्रेरणा दी। आज हम विद्यालय में 69वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बच्चे का सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बहुत से अच्छे कार्यक्रम यहाँ तैयार किए हैं। बच्चों के देशभक्ति के गीत हैं, गाने हैं, डांस हैं और सबसे पहले हमने तिरंगा झंडा फहराया है, राष्ट्रगीत गाया है। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। सभी में बहुत ही उत्साह है, उमंग है और हमें भी बहुत खुशी है हमारे देश के इस पर्व को मनाते हुए। हम सब बहुत खुश हैं। वहीं नयाबास स्थित BL पब्लिक स्कूल द्वारा स्कूल प्रांगण में झंडारोहण किया गया। इसके अलावा छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। भी आप देख रहे हैं अभी तो मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने और गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एक भव्य रैली का आयोजन किया है, जिसमें मानव श्रृंखला बनाकर हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम गणतंत्र हैं, हमारे पास स्वतंत्रता के अधिकार हैं। आज हमारा, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हमारे जो है संविधान लागू हुआ था, तो उसी के विषय में बच्चों को बताते हुए और एक मतदान हमारे एक सबसे बड़ा अधिकार है, उसको किस तरह से हम प्रयोग करें, उसकी जागरूकता रैली हम लोग निकालते हैं। उधर अलवर भाजपा कार्यालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, मंत्री सुरेंद्र गोयल, राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया सहित श्रम मंत्री और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव, शहर विधायक बनवारीलाल सिंगल और अशोक गुप्ता सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। और मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस पार्टी का निर्माण ही राष्ट्रीयता और राष्ट्र के लिए बनी।
हमने प्रारंभ से लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रभु ने हमको अवसर दे दिया। आज हम केंद्र में भी शासन कर रहे हैं, राज्यों में भी कर रहे हैं। अब जनता हमसे उम्मीद करती है, जिस राष्ट्रवाद के लिए हमने जीवन के 60-70 वर्ष लगाए हैं उसको साकार करने के लिए जिन महापुरुषों ने इस आज़ादी का यह अवसर हमको दिया, जिस त्याग और बलिदान और जिस समर्पण से दिया, हम उस देश को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयत्न करें, ईमानदारी से राजनीति में काम करें, नेता बनकर के नहीं एक जनसेवक के रूप में जो हमारा दायित्व है उसको हम अच्छी प्रकार से निभाएं और आगे बढ़ने का प्रयास करें। गणतंत्र दिवस पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये दिन देश के लिए बहुत गर्व का दिन है। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान भी ऐसा जो 125 करोड़ देशवासी इसको मानते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं और अमन और चैन इस देश में रही है और आगे भी अमन और चैन रहे। मैं तो इतना ही निवेदन करता हूँ, आज के दिन को कभी नहीं भूले, अपने पुरखों ने जो देश को आज़ाद करवाने में जो योगदान किया उनको नहीं भूले और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा कर संकल्प होकर के काम करें। गणतंत्र दिवस की पूरे हमारे जिलेवासियों को प्रदेशवासियों को सबको मेरी तरफ से बहुत ही बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत ही तपस्या कुर्बानी और देशभक्तों की समर्पण से ये हमको दिन मिला है कि हम सबको हर जगह हम देश के लिए समर्पित होकर काम करें। आज सभी देशवासियों को प्रदेशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से और अपनी ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इस लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से इस गणतंत्र को हम सब लोग पूरी मर्यादाओं के साथ पालन करते हुए इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गणतंत्र के एक एक नागरिक के सुखद कल्याण के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र की एक विशेषता है। हम सभी भारतवासियों की जिम्मेदारी भी है कि हमें संविधान के माध्यम से जो अधिकार मिले हैं उनके साथ साथ जो जिम्मेदारी हमें दी है उनका भी समान रूप से पालन कर इस देश के एक एक नागरिक को समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान करें।